हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद से आज मैं आपके लिए फिर से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन छंद का है स्टूडेंट। इस वाले वीडियो में आपके छंद के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा डाले हुए हैं। घनाक्षरी छंद निम्नलिखित में से किस प्रकार का छंद है? देखिए स्टूडेंट, छंद जो है वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मात्रिक छंद, सेकंड होता है वर्णिक छंद और तीसरा होता है हमारा मुक्तक छंद। मुक्तक छंद काउंट नहीं होता, जो आपके सिलेबस में है वो केवल दो ही हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। मुक्तक छंद इसलिए काउंट नहीं होता कि इस समय में हम जो भी कोई कविता या कुछ भी शायरी कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारी मुक्तक छंद के अंदर आती है। मुक्तक का मतलब होता है बाउंडेशन फ्री होके लिखना। तो हमारे सिलेबस में यही रखे गए हैं, मात्रिक और वर्णिक। लेकिन जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं तो हमें तीन पर ही टिक लगाना है, ठीक है। तो घनाक्षरी छंद इनमें से किसका है, मतलब वर्णिक छंद का है, मात्रिक छंद का है या मुक्तक छंद का है या ये भिमृत है इसका है? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इन तीनों में से पूछा है तो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्णिक छंद का टाइप है ये घनाक्षरी छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को निम्न में से क्या कहा जाता है? समान मात्रा का मतलब होता है, एक तो सम संख्या होती है, सम मतलब जो दो से डिवाइड हो जाए, और एक सम संख्या ना होके समान चरण, यानी कि अगर किसी में चार चरण दिए हुए हैं तो वो चारों ही चरण में एक सी मात्राएं होंगी तो उसे क्या कहा जाता है? चारों, मान लीजिए जैसे चौपाई है तो चौपाई में चारों चरण में 16-16 मात्राएं, तो एक सी मात्रा और 16 दो से डिवाइड भी हो जा रहा है, तो जब डिवाइड हो जा रहा है तो ये हो गया सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है उसे? सममात्रिक छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें ये बताना है उपरोक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, इनमें कौन सा छंद है। तो इसमें हमें मात्रा लगा के देखनी पड़ेगी स्टूडेंट। देखिए इसमें ये ना छोटी ई है, अब इसमें मात्रा लगाते हैं। मात्रा का जो सिक्वेंस होता है 1 और एस होता है। 1 को हम छोटी मात्रा कहते हैं, लघु, और एस को हम दीर्घ मात्रा कहते हैं यानी बड़ी, दो। इसको हम एक गिनते हैं और इसको हम दो गिनते हैं। तो एक में लगा के आपको दिखा देते हैं तभी पता लगेगा। इसमें पेपर में भी ऐसे ही लिखा हुआ आता है एग्जाम्पल, आप केवल मात्रा अपनी बुकलेट में लगा के देख सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो मात्रा लगाते हैं तभी इसका आंसर पता लगेगा। देखिए S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें इन्होंने कॉमा नहीं लगाया। देखिए ऐसे एक बार टेट में भी क्वेश्चन आया था, यही वाला शायद एग्जाम्पल था वो, कि कॉमा नहीं लगाया था। हमें देखना है कि कॉमा हमारा कहाँ पर आ रहा है, तभी हमारी मात्रा का सीक्वेंस सही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 और 13 चार चरण होते हैं। 11 11 13 13 का सीक्वेंस स्टूडेंट्स जो आता है वो आता है आपका 16 में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है आपका शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? तो दोहे से उल्टा, दोहे में जो मात्राएं होती हैं आपकी वो 13 13 और 11 11 होती हैं, और जो सोरठे में मात्राएं होती हैं वो 11 11 और 13 13 होती हैं। तो दोहे से उल्टा छंद कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? सोरठा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली किस प्रकार के छंद का उदाहरण है? जूही की कली कौन सा छंद? तो मैंने तीन प्रकार के छंद बताए, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। कौन से छंद का उदाहरण है? वर्णिक का है, मात्रिक का है या मुक्तक का है? तो ये जो जूही की कली कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और निराला ही मुक्तक छंद के कवि भी कहलाते हैं। तो निराला ने ही लिखी है, तो ये मुक्तक छंद की कविता है। बाउंडेशन फ्री होके लिखी है उन्होंने, कोई बाउंडेशन नहीं माना अपनी कविता में, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार। दो, तीन, चार, पाँच, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 5, तो 4 ही होते हैं। 13, 13, 11, 11, 4 चरण हो गए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका अवधि शिला का, ये भी दोहा दिया हुआ है। का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल की धार। उर पर के बाद यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, थी द्रग जल धार। इस तरीके से छंद का प्रयोग किया है। कॉमा हटा देते हैं स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए कि आप कहाँ पे स्टॉप कर रहे हो इसको। रोला, दोहा, बरवई या सोटा कौन सा छंद है? तो इसमें भी मात्रा ही लगा के देखनी पड़ेंगी आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और आगे आएंगे आपके। आगे की भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मात्राएं। तो 12 और 7 ये हो गया हमारा बरवई छंद। बरवई छंद में देखिए स्टूडेंट 4 चरण होते हैं। 4 में 12, 12 और 7, 7 मात्राएं होती हैं अवधि शिला के ऊपर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका निराला की प्रसिद्ध कविता। अगला क्वेश्चन, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? तो कुंडलिया में स्टूडेंट 6 चरण हम मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइनें होती हैं इसके अंदर। 6 चरण। पहली जो 2 लाइनें होती हैं इसके अंदर वो दोहा की होती हैं और एंड की जो 4 लाइनें होती हैं वो रोला की होती हैं। दोहा और रोला। अब दोहा की जब हमने इस तरीके से इसको क्या, यहाँ से डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो ये वैसे तो 12 चरण बन गए, लेकिन वो केवल जब चरण की बात करेगा तो हमें टिक लगाना है 6 पे। दोहा यानी कि 13, 13 इधर आ गई और आपकी 11, 11 इधर आ गई। रोला यानी कि रोला में 11, 11, 11, 11 इधर होती हैं और 13, 13, 13, 13 इधर होती हैं। अब ये 2 छंदों से मिलके बन रहा है स्टूडेंट्स, दोहा और रोला। तो ये विषम मात्रिक छंद होता है। जो भी छंद 2 छंदों से मिलके बनता है वो विषम मात्रिक में आएगा आपका, क्योंकि मात्राएं विषम हो गई इसके अंदर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चौपाई का है। चौपाई में कितने चरण तथा प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैंने अभी बताया भी था आपको, चौपाई में 4 चरण होते हैं। 4 चरण देखिए सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। मात्राएं कितनी होती है चौपाई में? 16, 16 मात्राएं होती हैं। तो 16, 16 कहाँ लिखा है स्टूडेंट्स? सी ऑप्शन पर। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन दोहा दिया हुआ है आपके लिए। इसमें आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें भी मात्रा लगानी है हमको। देखिए मात्रा लगा के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 मात्राएं आ रही है। एक ही लाइन में मात्रा लगाने से पता लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 13 आ गई मात्रा, हमें चाहिए 12 मात्रा, तो उस कंडीशन में हम सेकंड लाइन पे मात्रा लगा के जरूर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल पूरा दिया हुआ होता है। सेकंड में भी सही नहीं आ रही तो थर्ड पे लगा के देखेंगे, वो सिक्वेंस सही आ जाता है। तो 16 मात्राएं आ रही हैं। 16 मात्राएं किस में आ रही थी स्टूडेंट? चौपाई में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती है स्टूडेंट? 16 मात्राएं होती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका दामनी दमक रही धन माही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? हमें मात्रा ही लगा के देखनी है कौन सा छंद है। देखिए इसमें एस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इसमें सेकंड में भी लगा के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 देखिए यहाँ पे 17 आ रही हैं। तो यहाँ से तो हमारा कोई सिक्वेंस ही नहीं आ रहा किसी भी छंद का। हमने सेकंड पे लगा के देखा, इसीलिए सेकंड में हमारी 16 मात्राएं आ रही हैं और 17, 16 वाला कोई भी छंद है ही नहीं। तो 16 आ रही हैं, तो कौन सा हो गया स्टूडेंट? चौपाई छंद हो गया। ऐसे लगा के देख लेते हैं अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही होती है तो। अगला है जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16, 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो चौपाई कहते हैं स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो प्रथम चरण में कितनी होती हैं अभी मैंने बताया भी था, 13 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, पहला और आखिरी। तो जो कुंडलिया छंद है उसमें 6 चरण होते हैं, 4, 5, 6। जो इस की पहचान है 6 चरण की, ये पहचान है कि यह जिस शब्द से शुरू होता है इसका एंड भी उसी शब्द से होगा। मान लीजिए यहाँ ज्ञान शब्द आ रहा है तो यहाँ पर भी ज्ञानी शब्द आएगा, यहाँ साई शब्द आ रहा है तो यहाँ भी साई। ये पूरी 6 लाइन की कविता होती है, तो जिस शब्द से शुरू होती है उसका अंत भी उसी शब्द से होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कुंडलिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाला था। छंदों की परिधि से मुक्त यानी मुक्तक छंद का कवि कहलाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर जल्दी आते हैं। थैंक यू।